धरती पे आया स्वर्ग उतर गए, धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार, धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार, दिवाली रोशनी वाली ये सब त्योहार की रानी, दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी, धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार, धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार, दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी, दिवाली रोशनी वाली ये सब त्योहार की रानी। घर घर दीपक रोशन करता उजाला, दरवाजे पर है तोरण फूलों की माला, घर घर दीपक रोशन करता उजाला, दरवाजे पर है तोरण फूलों की माला, विध विध कपड़े पहन के देखो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज है दिवाली, तो आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, तो अभी यह शाम का टाइम, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी जाती हूँ किचन में, पहले खाना बनाऊंगी और थोड़ी बहुत जो मंदिर वगैरह सजा रखा है वो आपको शाम को दिखाएंगे पूजा के टाइम पे। तो जाती हूँ खाना बनाती हूँ, तो फिर मिलते हैं आपको शाम को। तो इसमें ना मैंने छोले गला के रख लिए हैं और इसमें छोले का मसाला बना के तैयार किया है और ये आटा गूंथ के रखा है। पापा छोले नहीं खाएंगे तो उनके लिए आलू की सब्जी बनाऊंगी और खीर के लिए मैंने चावल भिगोया है। तो यहाँ पे जो ये मसाला है ना, इसको मैं कुकर में डाल के इसमें एक दो सीटी और लगा लूँगी और ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, और इस वाली कढ़ाई में पापा के लिए अलग से सब्जी बना दूँगी। उनके लिए आलू प्याज टमाटर की ये बनाऊँगी। सूखी सब्जी चाहे कितनी भी अच्छी हो तो वो उतने अच्छे से नहीं खा पाते हैं, थोड़ा सा तरी वाली जो सब्जी होती है तो वो अच्छे से खा लेते हैं। तो हल्का सा मैं उनके लिए तरी वाली सब्जी बना दूँगी और साथ में रायता होगा, तो बस वही। तो यहाँ पर इसको ना थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसको मैं ढक्कन लगा लूँगी और यहाँ पे ये सब्जी मेरी बनके तैयार हो गई है। और साइड में मैं प्रसाद बनाऊँगी और फिर उसी में खीर बना लूँगी। प्रसाद वही सेम आटे का रहेगा, घी में आटा फ्राई करके थोड़ा सा ही बनाऊँगी, फिर उसके बाद इसी में मैं थोड़ा सा खीर बना लूँगी। खीर का भी मेरा सेम वही रहता है, चावल मैं पहले भिगो के रख देती हूँ और उसके बाद फिर घी में चावल फ्राई करके उसमें दूध डाल देती हूँ। बस यहाँ पर खीर बन जाएगी, उसके बाद मैं बर्तन धो लूँगी और ये छोले भी मैं एक भगोने में खाली कर लूँगी। इससे क्या होता है ना, बर्तन कम हो जाते हैं हमारे और किचन भी थोड़ा सा साफ साफ लगता है। तो बस यहाँ पे सब कुछ मेरा बन के रेडी हो गया है और बस अभी मैं ना सिर्फ मंदिर के लिए पूरी बनाऊँगी, 5 पूरी बनाऊँगी और खीर, तो बस वही बनाऊँगी। और जब बाद में खाने का टाइम होगा फिर वो सबके लिए फिर बाद में बनाऊँगी। सबसे पहले पापा ने पूजा की, पापा बता रहे थे कि 5:15 से या 7:15 या 8:15 तक कुछ मुहूर्त है, उसके बाद फिर भद्र है तो उसके बाद पूजा नहीं कर सकते हैं। तो पहले पापा ने पूजा कर ली थी और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे वही हम लोग दिया जला रहे थे, सब पहले सब जगह दिया लगा के उसके बाद फिर हम लोग आरती करेंगे। आंगन आंगन देखो रंगोली सजाए, हंसी खुशी स्वागत करते बाटे मिठाई। आंगन आंगन देखो
रंगोली सजाई, हंसी खुशी स्वागत करते बाटे मिठाई, देर रात तक जागते रहते, हाँ देर रात तक जागते रहते, नींद की ना दरकार, देर रात तक जागते रहते, नींद की ना दरकार, दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी, दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। हर दिन आए बन के दिवाली, बड़ी दीदी छोटी दीदी सब लोग आते थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, तो बस यही है, क्या करें, है ना, उनका भी अपना अपना घर बन गया है, तो बस पूजा वगैरह हमारी हो गई है और अब जाते हैं, बच्चों को ढंग से पूजा भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि पटाखे चलाने हैं, पटाखे चलाने करके, तो ये जाते हैं इनका पटाखे चलाते फिर। हर दिन आए बन के दिवाली, जीवन हो गुलजार, हर दिन आए बन के दिवाली, जीवन हो गुलजार, दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी, दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार, धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार, दिवाली रोशनी वाली ये सब त्योहार की रानी, दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर, धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार, धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार, दिवाली रोशनी वाली ये सब त्योहार की रानी, दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। धरती